अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एटॉमिक एंड मास नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी हमारे पास एक एटम होता है, उस एटम के न्यूक्लियस में जो है वो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो है वो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो उतना ही होगा। यानी कि एटॉमिक नंबर को आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हर एलिमेंट जो होता है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो, कोई भी एलिमेंट हो, हर एक का न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट होता है। हर एटम का न्यूक्लियस डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर एटम के न्यूक्लियस में जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यानी हर एलिमेंट के न्यूक्लियस में, हर एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो है वो सेपरेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सेपरेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? हमें एटॉमिक नंबर के बारे में या मास नंबर के बारे में पढ़ने के लिए जो है वो समझने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो उनको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ता है कि एटम की साख्त कैसी है, एटम के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे कंप्लीट सेपरेट वीडियो जो है वो अपलोड की है, तो आप उसको देखें अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम में जो है न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो उतना ही होगा। और किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को जो है वो हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, शो करते हैं। अगर किसी भी चीज़ के साथ किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमने मालूम करना हो या शो करना हो तो हम जेड लिख के उसको शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि जी इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन में जो है एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। अब 18 नंबर मीन एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन जेड इज इक्वल टू 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में जो है 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसी तरह कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो हम उसके लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, बॉटम पे। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो हम उसके लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे लिखते हैं। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है H1, क्योंकि इसका ये अगर यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के कोई भी चीज़ लिखी होगी तो ये इट इज़ ये बात जो है वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे उसका जो है वो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सो वो 1 यहाँ लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का 8 है तो वो यहीं लिखा हुआ है, और कार्बन का 6 है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो हमारा था, मास नंबर क्या है। मास नंबर के किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका वज़न कितना है, उसका मास नंबर जो है वो कितना है। तो देखते हैं कि मास नंबर क्या होता है। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो है वो दो ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अगर तो हम अकेले प्रोटॉन्स का नंबर देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब कि हम एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। मगर अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो किसी भी एटम का जो है वो मास नंबर बन जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल जो है स्पेसिफिक फार्मूला है, देखते हैं वो फार्मूला क्या है। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अब जो किसी भी, जैसे हमने बताया था कि एटॉमिक नंबर को जो है वो हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरह मास नंबर को जो है वो हम ए से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए जो है वो मास नंबर है, जी जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर है, और एन जो है वो हमारा न्यूट्रॉन्स का नंबर है। तो आइए एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर जो है वो समझ आ जाएगी कि कैसे हम इसको फार्मूले को यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट का मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमने ऑक्सीजन का मास नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। एटॉमिक नंबर हमने कैलकुलेट किया ऑक्सीजन का, ये देखें 8 था, तो इसीलिए जी इज इक्वल टू 8 प्लस 8 न्यूट्रॉन्स।
ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में जो है वो 8 ही प्रोटोन और 8 ही न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 16, सॉरी मास नंबर। इसी तरह हम जो है वो कार्बन का भी मास नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू जी प्लस एन के नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमने एटॉमिक नंबर में इसके कैलकुलेट किए थे कार्बन के, वो कितने थे, वो 6 थे। इसी तरह से एन जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो भी इसका 6 है। तो कार्बन का मास नंबर क्या हुआ, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। ये था हमने एटॉमिक नंबर कार्बन का कैलकुलेट किया 6। तो किसी भी एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक नंबर वो तो हम बॉटम पे लिखते हैं लेफ्ट साइड पे उस एलिमेंट के, मगर मास नंबर जो है वो भी हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं मगर हम टॉप पे लिखते हैं इस तरह से। कार्बन 6 अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे किसी एलिमेंट के लिखी हुई है तो इसका मतलब है वो इसका मास नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, 16 उसका मास नंबर, कार्बन का 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर, और 12 जो है वो कार्बन का मास नंबर है। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर से जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने नई नई केमिस्ट्री जो है जैसे 9th क्लास के बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपके सारे केमिस्ट्री जो है वो इन्हीं बेसिक डेफिनेशंस बेसिक चीज़ों पे जो है वो बुनियाद है, उनकी सारी केमिस्ट्री की बेस करती है सारी केमिस्ट्री। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर से बहुत अच्छी जो है वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आज के लेक्चर में आपको किसी भी जगह किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।